हेलो गाइस, तो हम आ चुके हैं वैनम के फिफ्थ पार्ट पे। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं कि स्पाइडरमैन और एडी नीचे गिर रहे हैं और स्पाइडरमैन उसको उठाने की कोशिश कर रहा है, और तभी एडी जाग जाता है। तो वो दोनों नीचे गिर रहे हैं और स्पाइडरमैन कह रहा है कि वो ड्रैगन हमें स्पेस में लेके जा रहा था, तो मैंने एक सोचा कि हम उसमें से निकल के बाहर ही आ जाते हैं। और वो तेजी से नीचे जा रहे हैं। एडी का सिम्पेट उसे बुलाने की कोशिश कर रहा है, पर एडी स्पाइडरमैन को कहता है कि तुम एक वेब का पैराशूट बनाओ और हमें नीचे सेफ लैंड करवाओ। तो स्पाइडरमैन कहता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता? तो स्पाइडरमैन कहता है कि मैं वो वैनम वाली चीज़ नहीं कर सकता। और एडी कहता है कि मुझे वो करनी नहीं आती। तभी उसके अंदर का सिम्बिट कहता है कि स्पाइडरमैन को पकड़ो और जो मैं कह रहा हूँ वो करो। और एडी कहता है, तुम अजीब साउंड क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है, हम पे विश्वास करो और बस उसको पकड़ो और जो मैं कहता हूँ वही करो। यहाँ हम देखते हैं कि वैनम भी पूरा ड्रैगन जैसे अपने पंख फैला के उड़ सकता है और वो स्पाइडरमैन को पकड़ लेता है। तो स्पाइडरमैन कहता है, तुम उड़ भी सकते हो? तो वो कहता है, मुझे भी आज ही पता चला। वो स्पाइडरमैन को एक बिल्डिंग पे छोड़ के चला जाता है और वो कहता है कि तुम अभी अपना ध्यान रखो, मैं कहीं जाता हूँ, मुझे कुछ काम है। तो स्पाइडरमैन पूछता है, क्या मतलब है इसका? कहीं वो ड्रैगन वापस तो नहीं आ रहा? और तभी स्पाइडरमैन जाला फेंकने की कोशिश करता है पर उससे नहीं होता। तो वो कहता है कि मुझे ये सिम्बिट्स वाला स्टफ बिल्कुल पसंद नहीं है। एडी अपने सिम्बिट से कहता है कि स्पाइडरमैन चला गया, क्या तुम अभी हमें नीचे उतारोगे प्लीज़? तो वो कहता है कि तुम्हारा दिल इतना जोर जोर से धड़क रहा है, तो मैं क्या कुछ केमिकल से तुम्हारा अंदर का धड़कन शांत कर दूं? तो वो कहता है, तुम ऐसा कर सकते हो? वो कहता है कि अब हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो एडी कहता है, हाँ मैंने नोटिस करा, तुम्हारे पंख कब से हो गए, तुम मुझे डरा रहे हो। तो वो कहता है, मैं तुम्हें समझाता हूँ एडी। वो कहता है कि कर्नल ने मेरा लाइट से कनेक्शन तोड़ने की कोशिश की, मतलब मेरा तुम्हारे से कनेक्शन तोड़ने की कोशिश की। तुम्हें याद है जब कर्नल मुझे खुद में समाने की कोशिश कर रहा था पर स्पाइडरमैन ने उसको रोक दिया? तो एडी कहता है, इन सब का क्या मतलब है? तो वो कहता है कि कुछ बुरा है और कुछ अच्छा है। तो वो कहता है कि मुझे शायद मेरे गोड होस्ट से कुछ और शक्तियाँ मिल गई हैं जिससे मैं और भी स्ट्रांग हो गया हूँ। अब हम बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मेरा कनेक्शन अपने हाइव से इतने टाइम बाद बना तो मैं ये सब भूल चुका था कि हम एक साथ मिलकर क्या कर सकते हैं। पर फिर भी वो प्रयास पूरा नहीं हो सका कनेक्शन का, पर फिर भी मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ कनेक्टेड। और वो कहता है, पर हम अकेले नहीं थे। तो एडी कहता है, बैड न्यूज़ बताओ मुझे क्या है? तो वो कहता है कि एडी, वो जो वॉइड नल है एबाइस, वो हमें स्टेयर कर रहा था, और जब तक हम साथ हैं कर्नल हमें ढूंढ ही लेगा और हमें इन्फेक्ट करेगा। वो वापस आ रहा है एडी, और हम उससे बच नहीं सकते और ना ही हम उससे छुप सकते हैं। तो एडी कहता है कि ठीक है, तो हम उससे लड़ेंगे, हमने पहले भी बहुत चीज़ों से लड़ा है एक साथ। तो सिम्बिट कहता है, हाँ पर ऐसी चीज़ से हमने कभी भी सामना नहीं किया। तो एडी कहता है कि हमें इसका कुछ सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो वो कहता है, हाँ मुझे लगता है कि मुझे आइडिया है हम कैसे उसके साथ, कर्नल के साथ लड़ सकते हैं। और वो कहता है, और उससे पहले तुम्हें कुछ और भी जानना है एडी। और वो तभी एडी के साथ अपना लिंक करता है और वैनम के रूप में उड़ के कहीं जाता है। वो उड़ते हुए सीधा रैक्स वाली बिल्डिंग में जाता है और वहाँ कहता है उसको जाके, रैक्स। और रैक्स कहता है, एडी तुम जिंदा हो मुझे लगा। और वैनम कहता है, हमें बात करनी है। वो कहता है, रुको एडी मेरे बेटे, मेरी बात सुनो। वैनम कहता है, हमें समझ नहीं लग रहा था कि हम अपना कंट्रोल कैसे लूज कर रहे हैं। वो जो आवाज़ें थी, वो जो डरावने सपने थे, वो कहाँ से आ रहे थे? जब भी हम कंट्रोल खो देते थे और उस भयानक चीज़ में
कन्वर्ट हो जाते थे तो हमें लगता था कि हम पागल बन रहे हैं, पर अभी हमें पता चल गया है मेरा जो सिम्बेट है वो एक पागल जानवर की तरह बिहेव करता था और उसने तो मुझे उन सिम्बेट्स के सामने मरवा ही दिया था। वो कहता है कि वो ग्रैंडल और वो वेयर हाउस और वो रूफटॉप और वहाँ की छत, वहाँ जो कुछ भी हुआ वो हम पहले जैसे नहीं थे। मेरा सिम्बेट कुछ अजीब बिहेव कर रहा था पर वो मुझे बचा भी रहा था, पर वो कभी भी हम नहीं थे, वो थे तुम। और तभी हम देखते हैं कि वो उसके दिमाग के आर पार अपना वार करता है और कहता है अभी हमें अपने दांत दिखाओ। और हम देख सकते हैं कि ये इंसान नहीं है, ये भी एक सिम्बेट ही है। और वो कहता है मुझे माफ़ कर दो। वो कहता है उस वेयर हाउस में तुम भी थे और हमने तुम्हें ऑलमोस्ट मार ही दिया था, और देखा जाए तो तुम उस कनल के क्रैंडल सिम्बेट का पार्ट हो जो उसे चाहिए। हमें सच बताओ कि सच्ची में कोई रैक्स था भी? तो वो कहता है हाँ वो था, वो वियतनाम में मेरा बॉस था, वो बहुत अच्छा इंसान था। और वो कहता है कि अभी मैं वो बन गया हूँ, मैं वही हूँ। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत टाइम तक कनेक्टेड रहे। वो कहता है मैं कनल के पास वापस नहीं जाना चाहता। और वो कहता है कि शील्ड तो हमें कहीं दूर लॉक करना चाहती थी, पर रैक्स के अंदर मुझे इंसानियत दिखी जो मुझे कभी नहीं महसूस हुई। और वो फिर से कहता है कि मैं कनल के पास वापस नहीं जाना चाहता बेटे, कभी नहीं जाना चाहता। और जब मैंने तुम्हें उन आदमियों के पास भेजा तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो ग्रैंडल अभी भी जिंदा है। मुझे उसकी प्रेजेंस कभी महसूस नहीं हुई इतने टाइम तक, तो मुझे लगा कि मैं फ्री हो सकता हूँ। वो कहता है कि कनल ने हमें लाइट को हंट करने के लिए, मारने के लिए बनाया, पर लाइट तो। और तभी उसका सिम्बेट कहता है हाँ ये खूबसूरत है। वो कहता है हाँ ये है। एडी कहता है क्या तुम आपस में ऐसे बातें भी कर सकते हो? वो कहता है हाँ हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और वो कहता है ओ मेरे भगवान तुमने कनल के साथ कनेक्शन बनाया था? वो कहता है हाँ उसने मुझे अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करी। और एडी कहता है कि कनल ने हमें कुछ कहा था जब हम उसे फेस कर रहे थे। वो बताता है कि उसने कहा था कि जब क्रैंडल कंप्लीट हो जाएगा तो वो मेरे लिए आएगा और वो मुझे मेरे इस पिंजरे से आज़ाद करवा देगा। तो एडी कहता है उसका मतलब है तुमसे, है ना, तुम ही हो ना? वो कहता है कि उसने उन चार सोल्जर्स में से तो वो पीस निकाल लिए और आखिरी बचे हो तुम, और तुम ही उसे आज़ाद करवाओगे अभी। और वो कहता है रैक्स अगर उसने तुम्हें ढूंढ लिया तो ये सब ख़त्म। उसका सिम्बेट कहता है पर रुको एक और तरीका भी है। और तभी उसको वैनम कहता है हमें ज्वाइन कर लो। वो कहता है कि कनल मुझे एब्जॉर्ब करना चाहता था पर उसने मुझे और भी शक्तिशाली बना दिया है, पर हम अभी भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि उसे अकेले हरा सकें। ओरेक्स कहता है मैं ऐसे नहीं कर सकता। तो वो कहता है हाँ तुम भी अकेले कमज़ोर हो और हम भी। और वो कहता है रैक्स याद करो हमारी स्पीसीज को क्या स्ट्रॉन्ग बनाता है, जब हम अकेले होते हैं तो हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते और जब हम मिल जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और तभी वो हाथ मिलाता है और उसको अपने अंदर ले लेता है, एब्सॉर्ब कर लेता है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि वो दोनों एक हो चुके हैं और वो वैनम अभी थोड़ा सा अलग ही लग रहा है और काफ़ी ख़तरनाक। वो कहता है चलो वार स्टार्ट करें। तो एडी कहता है ब्रॉक तुम ठीक हो? और वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। वो कहता है कि अगर हमें उसे ख़त्म करना है तो हमें कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। और वो कहता है कि क्रैंडल थोड़ा मारना मुश्किल है पर वो ऐसा भी नहीं है कि कोई उसको मार नहीं सकता। अगर हम उसे कनल से थोड़ी देर के लिए अलग कर दें तो हमारे पास थोड़ा सा टाइम होगा उसे ख़त्म करने का। और वो कहता है कि हमें ऐसा करने के लिए चाहिए होगी लाइट।
और वो कहता है कि हम में से कोई भी थोर नहीं है जो इतनी लाइट प्रोड्यूस कर सके कि उसको कोई इफेक्ट हो। तो वो कहता है कि बेटे ये मेरी फर्स्ट वॉर नहीं है, मुझे कुछ पता है कि हम कैसे कर सकते हैं ये। वो कहता है शील्ड के पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये सब कर सकती हैं और मैं जानता हूँ वो कहाँ है। और वो कहता है कि हम लाइटनिंग तो थ्रो नहीं कर सकते पर फिर भी हम उसको इस चीज़ों से हिला सकते हैं और हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे हथियार हैं।